जी20 पर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जी20 की अध्यक्षता पूरे देश की है और ये पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक अनूठा मौका है। बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये पर्यटन और स्थानीय इकोनॉमी के लिए एक बड़ा मौका है। सभी दलों की बैठक में कई पार्टियों के नेताओं ने भी जी20 की अध्यक्षता से जुड़े अपने कुछ सुझाव रखे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, जगनमोहन रेड्डी, सीताराम येचुरी, चंद्रबाबू नायडू, एम के स्टालिन ने भी अपने अपने विचार रखे। राजू ठेठ हत्याकांड में लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी की भी एंट्री हो गई। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने माना कि राजू ठेठ के गैंग ने उन्हें मरवाने की कोशिश की थी। 3 दिसंबर को राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस वारदात को सुबह के वक्त सरेआम अंजाम दिया गया, जब 4 से 5 की संख्या में आए बदमाशों ने राजू ठेठ को उसके घर के आगे ही गोलियों से भून दिया था। और सीकर में हुई इस गैंगवॉर के बाद एक बार फिर आनंद पाल और उसे चलाने वाली लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का नाम चर्चा में आ गया, क्योंकि पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले जिन 5 शूटरों को पकड़ा उनमें 2 आनंद पाल गैंग के ही थे। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद अनुराधा चौधरी ने माना कि राजू ठेठ उनका दुश्मन था, उन्होंने मरवाने की इस गैंग ने मेरे को कोशिश की थी। हालांकि लेडी डॉन कही जाने वाली अनुराधा चौधरी ने इस हत्याकांड में किसी भी तरह का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। गलत है, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। लेकिन हत्या के पीछे उनके करीबी लॉरेंस गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, जिसे उन्होंने तब हाथ मिला लिया था जब 2017 में हुई एक मुठभेड़ में आनंद पाल को मार गिराया गया था। तब लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने ही काला जेठेड़ी के साथ मिलकर गैंग की कमान संभाली और उसे मजबूत करने का काम शुरू किया था, जिसके बाद काला जठेड़ी को जानने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने आनंद पाल गैंग से हाथ मिला लिया था, जिसका नाम अब राजू ठेठ हत्याकांड में भी सामने आया है। क्योंकि राजू ठेठ की हत्या के तुरंत बाद लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीकर में हुई गैंग वॉर की जिम्मेदारी ली थी और राजू ठेठ की हत्या को गैंगस्टर आनंद पाल और गैंगस्टर बलबीर बनूड़ा की हत्या का बदला बताया था। और इसी वजह से लेडी डॉन अनुराधा का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया, हालांकि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से भी संबंध होने से इनकार कर दिया। न कभी मैं मिली हूँ और न कभी मेरी बात हुई है। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर माना कि राजू ठेठ ने 2017 के बाद से ही उनकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी और इसी वजह से वो आनंद पाल गैंग की नजरों में चढ़ गया था, जिसके बाद 3 दिसंबर को उसके अपने घर के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे सीकर में तनाव फैल गया। एक रोज पहले राजू ठेठ की हत्या पर विरोध जताने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रही भीड़ सीकर के बड़े अधिकारियों का घेराव करने निकल पड़ी। वहां सड़कों पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड भी लगा दिए थे, लेकिन उन्हें गिरा दिया गया। इसके बाद भीड़ उस अस्पताल के बाहर पहुंच गई जहां राजू ठेठ और गैंगवॉर में मारे गए ताराचंद नाम के एक आदमी के शव रखे थे। लोग राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा और ताराचंद के परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। हालांकि बाद में सारी मांगे माने जाने के बाद लोग शांत हुए। इस मैटर की पूरी जांच आईजी साहब के अंडर, एसपी साहब खुद होंगे और उनकी टीम होगी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद राजू ठेठ और ताराचंद के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। उधर खबर है कि लगभग 3 महीने से जारी प्रदर्शनों ने ईरान की सरकार की नाक में ऐसा दम किया कि वहां की मोरालिटी पुलिस को ही खत्म कर दिया गया। सितंबर में तेहरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी नाम की लड़की को गिरफ्तार कर लिया था, मगर गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी और उस मौत ने दशकों से हिजाब को सिर माथे से लगाई ईरान की महिलाओं के मन में बगावत का बीज बो दिया। उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो पुलिस से भिड़ गईं। ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना ही होता है और इस नियम को लागू कराने के लिए वहां मोरालिटी पुलिस सड़क पर गश्त लगाती रहती है। सितंबर में महसा अमीनी उसी मोरालिटी पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी, तभी से वहां सड़कों पर संग्राम छिड़ा है, जिस पर ईरान के अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया गया है। लेकिन मोरालिटी पुलिस पर बैन लगाने की खबर से में पेच यह है कि न तो ईरान की सरकार ने ऐसे किसी फैसले का ऐलान किया और न ही उससे इनकार किया, जिससे ये साफ नहीं हो पा रहा कि ईरान में मोरालिटी पुलिस वाकई बैन हुई है या नहीं। 2 दिन पहले ईरान के अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मोरालिटी पुलिस को खत्म कर दिया गया है। एक दिन पहले
वहां के सांसद ने यह कहकर कंफ्यूजन फैला दिया कि ईरान की सरकार लोगों के असल मांगों पर ध्यान दे रही है जो कि आर्थिक परेशानियों से जुड़ी हुई है। इसके आगे वो कुछ नहीं बोले। यहां तक कि ईरान के सरकारी मीडिया ने भी अपने अटॉर्नी जनरल के बयान का विरोध किया। कहा गया कि मोरालिटी पुलिस न्यायपालिका नहीं गृह मंत्रालय के तहत आती है और गृह मंत्रालय ने मोरालिटी पुलिस के बंद होने पर हामी नहीं भरी है। ईरान के टॉप अधिकारी भी कई बार कह चुके हैं कि हिजाब कानून रद्द नहीं होगा और ईरान के प्रदर्शनकारियों की असल दिक्कत मोरालिटी पुलिस से नहीं बल्कि हिजाब से है। और तो और अब तो कुछ प्रदर्शनकारी इस्लामी गणराज्य को ही खत्म करने की मांग कर रहे हैं।